हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, गुलदाउदी पे काफ़ी सुंदर फूल आ रहे हैं, लेकिन गुलदाउदी के बारे में बात नहीं करेंगे आज। मैं बात करूंगा मैंने कुछ सीड से जो पौधे उगाए हैं उनके बारे में। मैंने उगाया है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसे बोलते हैं हेवंस, बाकी नाम तो स्टार्टिंग का बड़ा टफ है। वैसे इसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बर्फ बोलते हैं। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कटिंग करके तैयार किए हों आपने, आर्टिफिशियल से लगते हैं। और इसका प्लांट ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर बर्फ़ गिरा हुआ हो। पत्ते सुकुलेंट की तरह थोड़े मोटे से होते हैं, कॉटन के लुक में होते हैं और उन पे सफ़ेद सफ़ेद सा रुआ होता है, तो इसलिए इसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बर्फ बोलते हैं। काफ़ी सुंदर प्लांट होता है, तो इसे मैंने उगाया है पॉटिंग सॉइल में और मुझे इसमें मिला है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट। देखिए कितने प्लांट्स इसके उग गए हैं पॉटिंग सॉइल में। बीज बहुत छोटे थे, जिनके बीज छोटे थे उन्हें ज़्यादातर को मैंने पॉटिंग सॉइल में ही उगाया है, क्योंकि पॉटिंग सॉइल में थोड़ा आसान रहता है छोटे बीजों को उगना, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और इससे सीड आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो अभी तो मैं इसे बताऊंगा कि इसे लगाना किस तरीके से है पॉटिंग सॉइल में, वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं इन्हें शिफ्ट कर लेता हूँ, कुछ प्लांट शिफ्ट करने लायक हो गए हैं। इस तरह के सुंदर गमले मैंने लिए हैं, ये मात्र 30 रुपये का एक गमला मुझे मिला है और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और सॉइल का मिक्सचर भर लिया है। 30% वर्मी कंपोस्ट, 70% मिट्टी। और अब मैं ये छोटे छोटे प्लांट इसमें शिफ्ट करूँगा। मेरा इरादा है एक गमले में 3 प्लांट लगाने का, तो चलिए मैं इन्हें शिफ्ट करता हूँ। तो दोस्तों, इन्हें शिफ्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना फेवरेट टूल यानी कि स्पून। स्पून से मैं पहले तो यहाँ से 4 छोटे छोटे गड्ढे बना दूँगा। मुझे इरादा है मेरा कि 4 को मैं शिफ्ट करूं इसमें, थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं। 4 को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मुझे 4 छोटे छोटे गड्ढे बनाने होंगे यहां पर। और अब मैं यहां से प्लांट लूँगा। उनसे फ़ायदा ये रहता है कि इसकी रूट डैमेज नहीं होती, रूट के साथ ही निकल आता है और इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पर रखना चाहे रख दें। इसे कोई स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि सॉइल जो इसकी रूट के साथ जुड़ी हुई है वो तो वहीं पर है, तो इसको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता प्लांट को। इस तरीके से हम 4 प्लांट इसमें लगाएंगे, गुथ जाते हैं। सीड्स उगाने में यही समस्या रहती है कि बहुत सारे प्लांट एक जगह हो जाते हैं। देखिए 2 हो गए, अब मुझे मजबूरन इन्हें अलग करना पड़ेगा, वरना 2 का ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। एक साथ लगा भी दूंगा तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। ये देखिए दिक्कत हो जाती है जब ऐसे लग करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे मैनेज कर लूँगा किसी तरह। कॉटन जैसा फर होने की वजह से देखिए इसमें मिट्टी चिपक गई है। और अब हम बड़ी सावधानी से उठाएंगे ताकि एक ही आए। जी हाँ, एक ही आया है। 2 आ जाते हैं तो दिक्कत कर देते हैं, 2 को आप एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो दिक्कत करेंगे आगे चलकर, उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि अगर आपने 2 कर दिए तो फिर वो दिक्कत कर देंगे आपको। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से एक ही प्लांट लेना चाहिए। ठीक है, और अब एक और ले लेंगे हम लास्ट वाला, ये जो हमने लग लिया था इसे ले लेते हैं, जिसे लग किया था ये वाला हो गया। तो 4 प्लांट मैंने ले लिए। वैसे आप 4 पत्ते होने की बात करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, मैं 2 ही पत्ते में कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये प्लांट का नुकसान हो। मैंने बहुत कम मिट्टी में इन्हें उगाया है, थोड़ी ज़्यादा मिट्टी में होते तो ये हो जाता, तो आसानी से हो जाता। चलिए ये हो गए 4, अभी इन्हें दे देते हैं पानी। देखिए पानी देने पर ये अपने आप ऊपर जो सॉइल वगैरह चिपक गई थी वो सब उतर जाएगी और ये सही सी शेप में आ जाएंगे। फिर जब इन्हें धो दिया, अब इसकी साइड में डालना है। प्लांट्स के ऊपर पानी ज़्यादा नहीं डालना, वो तो मैंने वॉश करने के लिए डाला था ताकि इन पर से मिट्टी उतर जाए। ये काफ़ी चिपचिपी किस्म के होते हैं, यानी कि इनके पत्तों पर कुछ रुआ सा होता है जिस वजह से इन्हें सॉइल चिपक गई थी। जनरली पौध के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इनमें क्योंकि काफ़ी रुआ होता है इसलिए इन पर ये सॉइल चिपक जाती है। अच्छे से पानी पहली बार में देना है ताकि पानी आपकी सॉइल में अंदर तक चला जाए और प्लांट्स को डेवलपमेंट के लिए सही एटमॉस्फेयर मिल सके। थोड़ा सीधा कीजिए, सीधा रहना चाहिए पौध का। देखिए ये हो गया,
चार प्लांट हमने शिफ्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि इसे लगाना किस तरीके से। बहुत ही बारीक सीड होते हैं इसके, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, इसके सीड होते हैं काफ़ी बारीक, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। बहुत ही बारीक सीड हैं, देखना भी मुश्किल है इतने बारीक सीड हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पॉटिंग सॉइल की एक लेयर बना लेते हैं जिस भी चीज़ में आपने उगाना। मैं तो बहुत कम पॉटिंग सॉइल और सॉइल का यूज़ करता हूँ, तो मैं तो इस तरीके से ही उगाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें शिफ्ट कर लेता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। सारे जितने भी बीज हैं मैं डाल दूँगा, क्योंकि मुझे आगे तो कुछ करना नहीं, काफ़ी प्लांट मेरे पास हो गए हैं। तो इन सबको निकाल लेते हैं जितने निकल सकते हैं। इतने बारीक सीड हैं कि इन्हें निकालने के लिए बहुत मेहनत हो रही है, दह जाएंगे फिर भी कुछ तो ये कैसे करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस पर एक लेयर और बिछा दीजिए आप पॉटिंग सॉइल की, क्योंकि वो इतने छोटे सीड हैं उन्हें और किसी तरीके से नहीं लगाया जा सकता। उन्हें दो लेयर के बीच में ही आपको सेट करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि उनके लिए लाइन बनाएं, उन्हें हाथ से डालें, ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। इतने छोटे सीड हैं कि मुझे तो समझ में भी नहीं आता इन्हें कलेक्ट कैसे किया होगा कलेक्ट करने वालों ने, बहुत ही छोटे सीड हैं। तो इसे आपने दो लेयर बना दी है पॉटिंग सॉइल की। अब इन दो लेयर के बीच में आपके प्लांट हैं, और अब दे दीजिए अच्छे से पानी। इस पर लगा देंगे एक टैग ताकि याद रहे कि ये प्लांट कौन सा है, यानी बाद में निकलता है तो पता ही नहीं चलता हमने लगाया क्या था। और इसे रख देते हैं। रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया ही, काफ़ी ज़्यादा प्लांट इसके निकल जाते हैं, और ये मॉस रोज़ की तरह नीचे नीचे में फैलता है, और उसकी तरह पे जहाँ पे सॉइल से टच होता है इसका तना, वहाँ पर जड़ें निकल आती हैं, यानी इसे कटिंग से भी हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट है इस वे में कि आप इसे काफ़ी बड़ी मात्रा में उगा सकते हैं, और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है क्योंकि इसका लुक ही अलग होता है, कुछ कुछ सुकुलेंट जैसा होता है। सुकुलेंट को हम लगाते ही हैं, तो इसी तरीके से इसे भी लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।